हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, मेरे हस्बैंड जी सो रहे हैं, चेष्टा बाबू सो रहे हैं, बाबा जी सो रहे हैं, और ये देखिए केले का पेड़ पूरी तरह से उसमें नहा चुका है। फिर मैं चल देती फटाफट नीचे, और ये देखिए मतलब हमारे जो सीढ़ियाँ हैं उसके रेलिंग वगैरह नहीं लगी हुई वैसी की वैसी है। तो कैमरे की लाइट ऑन करके मैं फटाफट नीचे उतर जाती हूँ, मतलब उस अंधेरे में डर रहता है कि गिरने का, वैसे तो हमें आदत हो चुकी है। फिर मैं देखिए मोटर को चला देती हूँ, फिर देखती हूँ कि पानी आ गया या नहीं आता है। तब तक क्या कुड़े वगैरह सिलाऊंगी, तब तक पता चल जाएगा कि पानी आया है नहीं आया है, क्या पता लाइन लाइन का आकर रह जाए। और ये देखिए फिलहाल मोटर को चलाते थोड़ा बहुत आ जाता है, और उसके बाद में देखिए मतलब ज़्यादा नहीं आया, थोड़ा सा आता है। फिर मैं थोड़ी देर इंतज़ार करती हूँ कि क्या पता ज़्यादा आ जाए। और फिर देखिए मैंने लाइट को ऑन कर दिया है, गुन्नू को मैंने खड़ा कर दिया है कि गुन्नू बेटा पेपर, क्योंकि गुन्नू के पेपर चल रहे हैं तो गुन्नू को मैंने खड़ा कर दिया। अब मैं चल मतलब बनाने के लिए चलती हूँ चाय। उसके बाद में मैं आ जाती हूँ अंदर, और फिर मैं किचन का गेट खोल लेती हूँ, जय बाबा जी कर लेती हूँ, मतलब मंदिर में धूप मार लेती हूँ, सिंपल माथा टेकती हूँ। और फिर मैं क्या करती हूँ, कोल मतलब कोल चलाने के लिए लोटा और चाय बनाने के लिए वो पतीला ले लेती हूँ। फिर आ जाती हूँ मैं बाहर, और गुनू को मैंने खड़ा कर दिया, गुनू खड़ी हो चुकी है, पढ़ाई कर रही है अपनी। और फिर देखिए मैं मतलब पतीले के अंदर बना देती हूँ चाय, और कोले से मतलब लोटे से सिला देती हूँ कोले। चाय को गैस के ऊपर रख कर फिर मैं चल देती हूँ अपने कोले सिलाने के लिए। उसके बाद में देखिए मैं कोले सिलाने के लिए आ गई, मैंने मेन गेट को खोल लिया है, और फिर लोटा मैं किचन में से लेकर आ गई थी, जैसा मेरे को बता रखा वैसे मैं कोले सिला देती हूँ, मतलब ये प्रोसेस बता रखा तो उसी के अनुसार मैं सिलाती हूँ। क्योंकि हमारी मायके मतलब जहाँ पर मैं पैदा हुई थी मायका, उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है, क्योंकि कोले वगैरह का सिस्टम वहाँ पर नहीं है। और फिर देखिए कोले मैंने सिला दिए हैं, और फिर मैं चल देती हूँ अपने मतलब इतना काम करती हूँ तब तक क्या है मेरी चाय उबल जाती है, मतलब उसको दूध डालने के लायक हो जाती है। उसके बाद में मैं आकर डाल देती हूँ उसमें दूध, देखिए डाल दिया दूध, क्योंकि मेरी चाय पक चुकी थी। और फिर मैं जब तक दूध डालने के बाद में चाय पकती है, तब तक क्या मैं बर्तन वगैरह सारे के सारे जहाँ पर जिसकी जगह होती है वहाँ पर सेट कर देती हूँ। और फिर चल देती हूँ मैं अपनी चाय को लेकर ऊपर, और फिर मैं मेरी चाय पी लेती हूँ। चाय पीने के बाद में फिर आती हूँ मैं नीचे, और फिर देखिए आग जलाने का काम मैंने शुरू कर दिया है। आज गुन्नू का पेपर है तो गुन्नू को स्कूल में जाना है, तो फिर गुन्नू के लिए मैं पानी निकाल पहले गर्म कर देती हूँ, फिर मैं पानी निकाल देती हूँ। देखिए पानी नहीं आया, आज पानी आने का दिन था लेकिन नहीं आया, कोई बात नहीं, क्योंकि एक दिन पहले आ गया था कि मतलब दिन नहीं था उस दिन आ गया था, इसलिए मतलब मतलब थोड़ी सी सेटिंग में चेंज हो गई। फिर देखिए इस टाइम के ऊपर मैं नहा चुकी हूँ, और ये देखिए क्या है मतलब इस डॉगी को किसी ने कपड़े डाल पहना रखे हैं, और फिर मतलब वो क्या है मतलब रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। फिर मैं आकर आटा लगा देती हूँ, क्योंकि मेरे को बनानी है गुनू की रोटियाँ, क्योंकि स्कूल में जाएगी गुनू। फिर ये नई गऊ माता दिखाई दी थी, ये डॉगी भी नया है जो कि कपड़े पहन रखे हैं, और ये गऊ माता भी नई है, मतलब ये वाली मैंने आज तक नहीं देखी है, मतलब किसी की पालतू गाय है, इसलिए मतलब उसके गले के अंदर रस्सा वगैरह बंधा हुआ है, और मतलब ये एक दूसरे को मतलब ऐसे देख रहे हैं जैसे कि मतलब पड़ोस में रहते हो, मतलब ये इसको जानती है ये उसको जानती हो, और ऐसे करके देखे जा रहे हैं। और फिर मैं मतलब आटा में लगा कर आ चुकी हूँ, और मैं अपनी मतलब ऊपर ज्योत बत्ती के लिए आई हूँ कि मैं जब तक आटा सेट हो जाएगा मतलब मेरी पूजा पाठ कंप्लीट करूँगी तब तक ये आटा वगैरह सेट हो जाएगा, तो आटे को मैं लगा कर आ गई हूँ। और ये देखिए यहाँ पर मैंने मेरे इष्ट देवता की पूजा कंप्लीट कर दी है, फिर मैं तुलसी मैया की कर देती हूँ, और फिर मग दे देती हूँ मेरे सूर्य देवता को जल, मतलब तीनों भगवानों की पूजा करती हूँ तब तक ये आटा सेट हो जाता है। फिर मैं जाती हूँ नीचे, और नीचे जाने के बाद में क्या मतलब अपना खाना बनाने की तैयारी करने शुरू कर देती हूँ। और गुन्नू को मैंने टाइम से खड़ा कर दिया था, गुन्नू रेडी हो चुकी है, और मेरे से पहले गुन्नू नहा चुकी है और मैं भी नहा चुकी हूँ। और ये देखिए मैंने रोटियाँ डालनी शुरू कर दी हैं, मतलब रोटियों को मतलब पराठे बनाती हूँ, मैं पराठा ही खा के जाती है, और स्कूल में तो मतलब जब जाती थी मतलब स्कूल डेली रूटीन की तरह तो टिफिन वगैरह लेकर जाती थी, लेकिन पेपर के अंदर नहीं लेकर जाती है। एक गैस के ऊपर मैंने चाय को रख दिया, एक के ऊपर मैंने पराठा बना दिया। फिर ये दो मतलब इसी गाय के साथ में एक अब नंदी जी आ गए हैं, और ये मतलब इन पंचटियों में मतलब जो भी होता है जो इनके खाने की चीज़ें होती है पत्ते हैं या फूल है पता नहीं, पर उनको खाते रहते हैं, ऊपर के तो सारे खाली हैं, जो बीच में है उनके अंदर मुंह देख देख कर खाते रहते हैं। और फिर देखिए मेरे बाबा जी को
तैयार कर दिया है, बिल्कुल रेडी कर दिया है। देखिए मतलब सब कुछ पहना कर बाबा जी को शीशा दिखा दिया और मैंने भी शीशा देख लिया। और ये देखिए मेरे हो गए हैं लाडू जी बिल्कुल तैयार। अब मैं बना कर मतलब चाय को मैंने दूसरे गैस के ऊपर रख रखा था, तो मेरी चाय बनकर तैयार हो चुकी है। फिर मैंने बाबा जी को चाय बिस्किट के साथ में दे दी और फिर ज्येष्ठा बाबू को बिस्किट मतलब पराठा खिलाने की कोशिश करती। ज्येष्ठा बाबू पराठा नहीं खाता है। फिर आ जाती है छोटी सी प्यारी सी गौ माता, इसको दे देते हैं जो आज रोटियाँ बनी थी, मतलब जो पहले गौ माता की रोटी बनती है वो दे देते हैं। उसके बाद मैं आ जाती हूँ मैं ऊपर और फिर फटाफट झाड़ू लगाने लग जाती हूँ। और आज भी अभी तक तो धूप निकली नहीं है, देखते हैं बाद में निकलती है या नहीं निकलती है। और फिर मैं आ जाती हूँ नीचे और मतलब ऊपर सफाई करने के बाद में तो मतलब इस कमरे को सेट कर रही हूँ। ज्येष्ठा बाबू देखिए मतलब यहाँ पर खा रही है ये प्रसाद, किस चीज़ का प्रसाद खा रही है वो भी आज मैं बता रही हूँ। आज मतलब मोदी जी ने किया है मतलब आज के दिन को दिवाली घोषित किया है, मतलब कि आज का दिन हर साल दिवाली की तरह मनाया जाएगा। और तो देखिए तो उसी के लिए मतलब पूरे मतलब भिवानी के अंदर कई जगह भंडारे वगैरह लगे हुए थे, तो कहीं पर प्रसाद बट रही थी। तो गुन्नू के पापा मतलब गुन्नू को छोड़ने गए तो वहाँ से प्रसाद लेकर आए थे और फिर मतलब वो प्रसाद ज्येष्ठा बाबू खा रहे हैं। और फिर ये देखिए फिर मैं लग जाती हूँ यहाँ पर धोने के काम के ऊपर, और क्योंकि पानी सबका गर्म हो चुका है, ज्येष्ठा बाबू का भी कर दिया क्योंकि आज धूप अब निकल चुकी है, तो ज्येष्ठा बाबू को भी नहला दूंगी। कल पता नहीं निकलेगी या नहीं निकलेगी, और धूप सही निकल गई है तो आज मेरे को मशीन के अंदर जो कपड़े डले हुए उन सबको निकालना भी है, क्योंकि उस दिन जो कपड़े धोए थे वो धोए थे जो मशीन के ऊपर रखे हुए थे, मतलब मशीन के अंदर थे वो वाले नहीं धोए थे, ऊपर थे वो वाले धो दिए थे। तो आज मशीन के अंदर हैं वो, और जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो सारे के सारे आज मेरे को धोने हैं मशीन के अंदर डालकर। और मैंने देखिए पूरी सफाई कम्प्लीट कर दी है देखिए, और मैं देखते आगे कितने कपड़े धो पाती हूँ, लेकिन कोशिश यही रहेगी मतलब थोड़ी बहुत धूप से, धूप काफ़ी ठीक है मतलब ये कहें कि हाँ, लेकिन मौसम वैसे का वैसे क्योंकि ठंडी हवा चल रही है। और फिर ये है कि हाँ आज कई दिनों के बाद में क्या है लोग बाहर बैठे हैं धूप के अंदर, क्योंकि धूप दिखाई दी है। और फिर देखिए मैं दे देती हूँ बाबा जी को दोपहर का खाना, और मैंने खा लिया, मतलब मैं खाना सबसे लास्ट में खाती हूँ, चाहे रात हो चाहे दिन हो, हमेशा लास्ट में, कभी भी मैं पहले नहीं खाती हूँ। और ये देखिए मेरा बाबू जी यहाँ के ऊपर खड़ा हुआ है, और ये देखिए अब मैं दिखाती हूँ आपको पूरी की पूरी मेरी सफाई कम्प्लीट होगी। देखिए कपड़े देखिए कितने सारे धो दिए हैं, बर्तन वगैरह भी साफ कर दिए हैं अभी। और गुन्नू के पापा लेकर आ गए थे, गुन्नू को लेकर आए वापस जब सब्जी मतलब सब्जी मंडी से। और फिर ये देखिए किचन का गेट खुला रह गया, उसको मैंने बंद कर दिया है। और फिर मैं चलती हूँ अब ऊपर, दिखाती हूँ आपको कितने सारे मतलब बाहर मेन गेट के बाहर भी डाल रखे हैं कोट वगैरह स्वेटर वगैरह, क्योंकि वहाँ पर धूप है तो चेयर के ऊपर डाल दिए हैं, और मतलब अंदर रस्सी उसके ऊपर चादर वगैरह डाल दी हैं। और ये देखिए छत के ऊपर इतने सारे मतलब एक्स्ट्रा तार बांधकर जैसे कि धोबी घाट बना रखा है, इतने सारे कपड़े धो दिए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कपड़े धो दिए हैं। और आज पानी भी नहीं आया तो सारे के सारे कपड़े मैंने होद में से पानी लेकर धोए, मतलब हाथ से निकाल निकाल कर होद में से पानी। और फिर ये देखिए मेरी शाम की चाय, भूख लग गई थी तो मैंने एक रोटी खा ली थी, बाबा जी को दे दी। मेरा बाबू जी खेल रहा है गेम, ये मेरा रात का खाना है जो बाबा जी को दे दिया। फिर मेरे बाबा जी सो जाते हैं, मेरा बाबू जी सो जाता है देखिए किस किस के साथ में, अपने बाबू जी को अपनी छाती के ऊपर लेकर, हर बंदर को साइड में सुलाकर। ओके बाय।